मोहन सरकार ने प्रदेश के युवा महिला और नौनिहालों को दीपावली की सौगात दी है। युवाओं के लिए 1,00,000 नौकरियों के द्वार खोले गए हैं, तो वहीं दो विभागों में नए पद भी स्वीकृत किए गए हैं। 2 माह में दिसंबर तक 1,00,000 खाली पदों पर भर्ती होगी। रीवा में 5वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश सरकार युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश को समृद्ध बनाना हम सबका संकल्प है, सरकार विकास के लिए कटिबद्ध है। लगातार युवाओं के लिए, खासकर मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। मुझे इस बात का संतोष है कि इस वर्ष हमने जो दिसंबर तक का टारगेट लिया है, लगभग 1,00,000 से ज़्यादा रोजगार के लिए अवसर अर्थात नौकरियों का शासकीय विभिन्न विभागों की भर्तियां करने का काम चालू कर रहे हैं। दिवाली के अवसर पर युवाओं को, खासकर जिनको काम की ज़रूरत है, उन सबके लिए बड़ा मौका रहेगा। मध्य प्रदेश सरकार अपने ब्रेन ड्रेन से बचाना चाहती है, जो बौद्धिक क्षमता के हमारे अपनी संपदा है एक तरह से, ऐसे सारे मित्रों से देश के लिए, प्रदेश के लिए काम करने का मौका दिलाने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम लगातार काम कर रहे हैं। मुझे इस बात का भी संतोष है कि हमारे औद्योगिक निवेश का भी जो अभियान चल रहा है, इसके माध्यम से ही लगभग अभी तक के जो हमारी कॉन्क्लेव हुई है संभाग स्तर की, अलग अलग जो निवेशकों के साथ मीटिंग हुई है, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर और आज रीवा होने वाली है, अभी तक के 3.25 लाख से ज़्यादा रोजगार के अवसर तो इनमें हुए हैं, जिसमें 2,45,000 करोड़ से ज़्यादा का निवेश के प्रस्ताव हम पे आ चुके हैं। मध्य प्रदेश में बहुत संभावना और बहुत लोगों की रुचि भी बन रही है, और हमारा भी प्रयास है कि जो सब प्रकार से वर्तमान के दौर में जब भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कटिबद्ध है, तो मध्य प्रदेश क्यों पीछे रहेगा। मध्य प्रदेश में वो सब है जिसके लिए कोई भी निवेशक आना चाहेगा, कोई उद्योगपति आना चाहेगा, लेकिन हमने प्राथमिकता तय की है कि हमारे प्रदेश के अंदर के जो उद्योगपति ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके उद्योग में बढ़ावा मिलना चाहिए, वो 1 से 2 करे 3 करे, और जो अभी तक 1 काम कर रहे थे वो 2 काम करें। अब इसके बाद बचता तो प्रदेश के बाहर के लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं, उसके बाद भी और संभावना तो देश के बाहर के लोगों को भी आमंत्रित कर रहे हैं। कुल मिलाकर के हमारे प्रदेश को समृद्ध बनाना है हम सबका संकल्प है, मुझे पूरा भरोसा है, जनता भी यही चाहती है, और यशस्वी प्रधानमंत्री का आशीर्वाद है, सरकार विकास के लिए कटिबद्ध है।